तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, विष्णु देव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। कुनकोरी विधानसभा सीट से विधायक है और 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष थे, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। आदिवासी समुदाय से विष्णु देव साय आते हैं। आपको बता दें कि 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर लगातार संशय बना हुआ था कि छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा, उसको लेकर के चर्चा विमर्श देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक हलचल और बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और देखिए, आदिवासी समुदाय से विष्णु देव साय आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णु देव साय देखिए छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लगातार देखिए, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें यही देखने को मिला था कि कई नाम आगे चल रहे थे रेस में, लेकिन फाइनल मुहर यहां पर विष्णु देव साय पर लगी है, जो कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। और देखिए, आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय से विष्णु देव साय आते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई। और कैसे देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें ये देखने को मिला था कि लगातार बैठकों का दौर चला, चिंतन मंथन किया गया, बहुत सोच समझ करके देखिए ये फैसला लिया गया है। तो विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। सबको इंतजार था कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन होंगे। जनता इंतजार कर रही थी कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देखिए मंत्री थे और छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। तो 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष थे और आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। और यहां पर अब विश्वास जताया गया है विष्णु देव साय पर, जो कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जाने की। ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए, ये थे नारायण चंद्र। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। आपको बता दें कि विष्णु देव साय कुनकुरी से विधायक है और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता है। वे दो बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार देखिए, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि कई जो नाम है वो आगे चल रहे थे। और जनता को इंतजार था कि छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा, वो ऐलान यहां पर कर दिया गया है। 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, अब डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो विष्णु देव, देखिए आपको बता दें कि कुनकुरी से विधायक हैं और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। यहां पर अब ऐलान कर दिया गया है, 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। और लगातार देखिए, चिंतन मंथन बैठकों का दौर देखने को मिला था। और ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि देखिए, हमेशा सही चौंकाने वाले नाम बीजेपी लेकर के आती है। तो विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम, और अब ये फाइनल मुहर विष्णु देव साय पर लग चुकी है, क्योंकि कई नाम थे जो देखिए आगे चल रहे थे और सभी को इंतजार था कि छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा। और अब वो ऐलान कर दिया गया है, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे।
तो छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार था, लेकिन देखिए अब फाइनल मुहर लग चुकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। पूरा फाइनल फाइनल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फाइनल भी हुए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, जमीन से उठे हुए व्यक्ति है, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे। और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कहीं दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे, और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें देखिए अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। जनता जनार्दन काफी खुश है और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि विष्णु देव साय जमीन से उठे हुए नेता है और उनको सीएम बनाया गया, इसको लेकर के अब खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग यहां पर अब खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष थे और कई नाम देखिए रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर विष्णु देव साय पर अंतिम मुहर लगा दी गई है और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। कार्यकर्ताओं में देखिए खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, हर कोई एक दूसरे को बधाई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता को इंतजार था कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा। और छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। आदिवासी समुदाय से विष्णु देव साय आते हैं और काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो डिप्टी सीएम के नाम पर भी अब चर्चा की जा रही है, आदिवासी समुदाय से विष्णु देव साय आते हैं। देखिए जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे।